हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज गैस एक्चुएटेड रिले और बुकॉल्स रिले, और वी कैन से बुकॉल्स रिले। दीज आर सम कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ऑपरेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजेस। सो बेसिकली बुकॉल्स रिले वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय मैक्स बुकॉल्स इन 1921। बुकॉल्स रिले हैव बीन अप्लाइड टू लार्ज पार ट्रांसफॉर्मर्स। इट इज़ बेसिकली अ गैस एक्चुएटेड रिले इंस्टॉल्ड इन ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल सच काइंड ऑफ फॉल्ट्स। इट इज़ यूज टू गिव्स एन अलार्म इन केस ऑफ स्लो डेवलपिंग फॉल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मर एंड टू डिसकनेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द सप्लाई इन द इवेंट ऑफ सीवियर इंटरनल फॉल्ट्स। दिस रिले इज यूज इन ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ रेटिंग अबव 750 KVA। बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर आप इसका देखोगे तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ बुकॉल्स रिले। इसके अपर पार्ट पे आप देखोगे एक फ्लोट रहेगा, एक मर्करी स्विच अटैच रहेगा। ऐसा ही सेम आप नीचे वाले पार्ट में देखोगे, एक मर्करी स्विच रहेगा और इसके साथ में एक वॉल्व कनेक्ट होगा, दैट इज फ्लैप। ये फ्लैप इसके साथ में कनेक्ट होगा। जो नीचे वाला आपका जो मर्करी स्विच होगा ये कनेक्ट रहेगा टू द ट्रिप सर्किट के साथ, और जो अपर पार्ट में जो मर्करी स्विच रहेगा वो कनेक्ट रहता है टू द अलार्म सर्किट। इस सर्किट पे ये आपको दिखा रखा है एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर जहाँ पे बुकॉल्स रिले सेटअप रहती है वो। ये टू द कंजर्वेटर, जो भी अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अकर करता है तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल स्टार्ट होता है, तो उसके कारण जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो फ्लो होती हैं टू द कंजर्वेटर की साइड को। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ बुकॉल्स रिले। अब देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज हम डिस्कस कर चुके हैं। द अपर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मर्करी टाइप स्विच अटैच टू अ फ्लोट। द लोअर एलिमेंट कंटेन्स अ मर्करी स्विच माउंटेड ऑन अ हिंज टाइप प्लेट फ्लैप लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट पाथ ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर टू द कंजर्वेटर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर फ्लोट। द अपर एलिमेंट क्लोजेज एन अलार्म सर्किट ड्यूरिंग स्लो डेवलपिंग फॉल्ट्स वेर इज द लोअर एलिमेंट इज अरेंज टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर इन केस ऑफ ए सीवियर इंटरनल फॉल्ट्स। तो इस पर हमने ध्यान ये देना है कि जो ऊपर वाला अरेंजमेंट है वो कनेक्ट है टू द अलार्म सर्किट के साथ, और जो नीचे वाला अरेंजमेंट है वो कनेक्ट है आपका टू द ट्रिप सर्किट के साथ। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन। सो टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो अक्कर हो सकते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर पे, दैट इज इंसिपिएंट फॉल्ट्स और स्लो डेवलपिंग फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, बुशिंग एंड शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेजेस। सो दिस इज ऑल्सो द अनदर डायग्राम ऑफ अ बुकॉल्स रिले। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दो मर्करी स्विच हैं, एक अपर, एक लोअर पार्ट में और एक अपर पार्ट पे। एक फ्लोट कनेक्ट है अपर भी और लोअर भी। नीचे वाला जो अरेंजमेंट है, लोअर पार्ट वाला जो अरेंजमेंट है वो ट्रिप सर्किट के साथ कनेक्ट है, और ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है आपका कनेक्ट है ये अलार्म सर्किट के साथ में कनेक्ट है। सो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होता है कि इन केस ऑफ ए स्लो डेवलपिंग फॉल्ट विद इन द ट्रांसफॉर्मर द हीट ड्यू टू द फॉल्ट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ सम ट्रांसफर ऑयल इन द मेन टैंक। ये डायग्राम लेंगे तो जैसे अगर आपका कोई फॉल्ट अकर करता है तो आपका जो ऑयल इस पर फिल रहता है उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उनमें से 70% जो गैसेस होती है मोस्टली हाइड्रोजन होती है। तो जैसे जैसे आपकी गैसेस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होती है तो वो इस वे से होते हुए कंजर्वेटर की साइड को जाती हैं, बट ड्यू टू दिस फ्लैप वॉल्व उनका उनको वे मिल रहा होता है, रास्ता जो मिल रहा होता है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होता है। तो जो बाकी की गैसें प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो अपर वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं एक्युमुलेट होती है, जमा होती जाती है इस वाले पार्ट पे। तो जैसे जैसे गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ऑयल लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऑयल लेवल जैसे ही रिड्यूस हो रहा है तो आपका ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट्स आपके क्लोज होंगे तो एक अलार्म साउंड करेगा, क्योंकि अलार्म सर्किट इसके साथ कनेक्ट है, तो आपके ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट अकर हो गया है ये पता चल जाएगा। सो ये दिस इज द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ बुकॉल्स रिले। अब क्या होगा,
कि जब गैस आपकी एक्यूमुलेट हो जाएंगी अपर पार्ट ऑफ द हाउसिंग में, द ऑयल लेवल इनसाइड द हाउसिंग फॉल्स ड्यू टू विच द हॉलो फ्लोर टिल्स एंड क्लोज द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द मरकरी स्विच अटैच टू इट. द दिस कम्प्लीट द अलार्म सर्किट टू साउंड एन अलार्म. ड्यू टू दिस ऑपरेटर नोज दैट देयर इज सम इंसिपिएंट फॉल्स इन द ट्रांसफॉर्मर. द ट्रांसफॉर्मर इज डिसकनेक्टेड एंड द गैस सैंपल इज टेस्टेड. द टेस्टिंग रिजल्ट गिव द इंडिकेशन वट टाइप ऑफ फॉल्ट इज स्टार्टेड डेवलपिंग इन द ट्रांसफॉर्मर्स. सो ये बेसिकली इसका सिंपली आपका ऑपरेशन प्रिंसिपल हो गया. एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन. इट डिटेक्ट्स द स्लो डेवलपिंग फॉल्ट एट अ स्टेज मच अर्लियर देन अदर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन. कई बार आपका इस बुकॉन्स रिले पे आपका फॉल्स डिटेक्शन भी होता है, क्योंकि कई बार ऑयल में बबल्स के चलते भी वो जो आपका अपर पार्ट वाला ये वाला जो आपका मरकरी स्विच है, ये जो फ्लोट है, ये टिल्ट कर जाता है. तो जब ये टिल्ट करता है तो फिर कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं, और फिर तब भी एक अलार्म सेंड होता है जब बबलिंग होती है इस पर. तो एक फॉल्स डिटेक्शन भी होता है इन केस ऑफ ए बुकॉल्स रिले. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इट कैन ओनली बी यूज विद ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर्स इक्विप्ड विथ कंजर्वेटर्स. द डिवाइस कैन डिटेक्ट ओनली फॉल्ट्स बिलो ऑयल लेवलिंग द ट्रांसफॉर्मर. देयरफॉर सेपरेट प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर कनेक्टिंग केबल्स. तो मेन डिसएडवांटेज आपका क्या रहता है कि ये आपका तभी फॉल्ट अकर ट्रांसफॉर्मर का वही फॉल्ट अकर करेगा जब ऑयल का लेवल रिड्यूस होगा. उसके अलावा अगर कभी कोई केबल्स फॉल्ट या अदर फॉल्ट होते हैं तो वो उस फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस बुकॉज रिले. As without antivirus PCs affected by virus which may affect system performance and can also damage the system just like that. Without Buchholz relay, the transformer operate with oil cannot be exist as fault will create a severe damage to the transformer. Transformer is a worldwide acceptable electrical device as it is considered as a heart of electricity, hence its protection is necessary. That is the reason we can understand that Buchholz relay is how much important for the transformer protection. Thank you.